कहानी की शुरुआत में हमें अटलांटिक ओशियन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम समंदर के 16,000 फीट नीचे एक स्टेशन को देखते हैं, जो कि ट्री ओशियनिक कॉर्पोरेशन कंपनी का था। इस कंपनी का काम था कि समंदर से मेटल और कीमती पत्थरों को निकालना। यहाँ हम एक टीम को देखते हैं, वो सिल्वर का सैंपल ले रहे होते हैं। उनका टीम कैप्टन बैक उन पर कंट्रोल रूम से नजर रख रहा था। वो सब अपना काम खत्म करके बेस पर वापस जाने लगते हैं, तभी उनमें से एक आदमी सिक्स पैक आते वक्त पानी में से एक कीड़े को पकड़ लेता है, जो दिखने में एक मकड़ी की तरह लग रहा था। वो उस कीड़े को अपने साथ ले जाने लगता है, तभी अचानक आते वक्त टोनी नाम के बंदे के सूट में कुछ खराबी हो जाती है और उसके सूट में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। वो अपनी हेल्प के लिए बैक से कहने लगता है। फिर बैक अपनी टीम के डॉक्टर ग्लेन को बुलाने लगता है, लेकिन वो कंट्रोल रूम में नहीं था और वो उसकी बात को नहीं सुन पाता। फिर बैक खुद ही टोनी के सूट के ऑक्सीजन का लेवल ठीक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यह उसे पता नहीं होता कि कौन सा बटन दबाना है। वो बाकियों से कहता है कि उसे वो जल्दी से बेस पर ले आए। टोनी के सूट में फिर भी पानी भर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। बेस पर आकर बैक उसका सूट खोलता है। कुछ देर में उसे होश आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक होता है। अब बैक सबसे कहता है कि हमारे इस स्टेशन पर रहने के केवल 3 दिन ही बचे हैं, इसके बाद वो सब जमीन पर होंगे। ये सुनकर वो सब खुश होते हैं, क्योंकि वो पिछले 87 दिन से यहाँ थे। ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ डॉक्टर ग्लेन आ जाता है। बैक उससे कहता है कि तुम्हें उस टाइम कंट्रोल रूम में होना चाहिए था। इस पर ग्लेन कहने लगता है कि शायद ये उसके सूट में होल हो जाने की वजह से हुआ होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसे तो मानो कोई परवाह ही नहीं थी। इसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर विली सबके सूट को चेक कर रही होती है, तभी उसे सिक्स पैक के सूट में कुछ गड़बड़ी दिखाई देती है। जैसे ही वो सूट को खोलकर देखती है तो उसमें से वही मकड़ी निकलती है जो सिक्स पैक को पानी में मिली थी। फिर विली किसी तरह उसे पकड़ लेती है। इस पर वो सिक्स पैक से गुस्सा होती है और उसे स्पीकर पर सुनाने लगती है, लेकिन वो उसकी बातों को मजाकों में लेकर हंसने लगता है। खैर, अगले सीन में बैक अपनी बॉस मार्टिन से बात करता है। वो उनसे पूछती है कि क्या मेटल के अलावा और कोई एक्सपेंसिव यानी कीमती चीज मिली है, लेकिन बैक कहता है कि उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं मिली, हमें केवल सिल्वर के मेटल के अलावा कुछ नहीं मिला। अब मार्टिन कहती है कि तुम्हें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे हमारी कंपनी के शेयर मार्केट में बढ़ जाए। यह कहकर वो वीडियो कॉल कट कर देती है। इसके बाद सब एक जगह खाना खाने लगते हैं, तभी अचानक समुन्द्र में सुनामी आने लगती है, इस वजह से उनका बेस हिलने लगता है। हेयर सिक्स पैक जब अपने बेड पर लेटने जाता है, तभी उसे वही मकड़ी मिल जाती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और बाहर आकर बिली को सुनाने लगता है, क्योंकि उसने ही मकड़ी वहाँ रखी थी। उन दोनों को लड़ता देख बैक उन्हें बाहर खुदाई करने भेज देता है। बिली को वहाँ एक मेटल का टुकड़ा मिलता है। बैक उन्हें और कुछ भी ढूंढने को कहता है, तभी सिक्स पैक नीचे एक खाई में गिर जाता है। उसके गिर जाने के बाद कंट्रोल रूम में उसका सिग्नल मिलना भी बंद हो जाता है। अब बिली कहती है कि वो उसे ढूंढने जा रही है। कंट्रोल रूम में सब आ जाते हैं और सिक्स पैक को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल रूम में बैठे सब लोग देख रहे थे, क्योंकि हर सूट में एक कैमरा लगा था। इसके बाद वैक वो मैन से पूछता है कि सूट कितनी देर तक पानी में सर्वाइव कर सकता है। इस पर वो कहती है कि वो केवल 30 मिनट ही सपोर्ट कर सकता है। अब विली को आगे जाने पर एक डूबी हुई पुरानी शिप मिलती है। डॉक्टर ग्लेन बताता है कि यह शिप रशियन है, उस शिप का नाम लेवाइथन होता है। इसके बाद बैक जोन्स और कॉफ को सूट पहनने को कहता है, इससे वो जल्दी से सिक्स पैक को ढूंढ पाए। वो मैन इस शिप के बारे में सर्च करती है, जिससे पता चलता है कि यह शिप अभी भी रशियन नेवी में एक्टिव है और इसकी लोकेशन बाल्टिक सी है। ग्लेन कहता है कि ये खबर गलत भी हो सकती है, शायद उन्हें पता ही नहीं हो कि हमारी शिप कहाँ है। इधर शिप के अंदर बिली को बहुत से कंकाल मिलते हैं, उनसे बस्ती हुई आगे जाने पर उसे सिक्स पैक भी मिल जाता है। वो काफी खुश होने लगता है, क्योंकि उसी शिप में उसे एक बॉक्स मिला था। खैर, वो उस बॉक्स को लेकर बेस पर वापस आ जाते हैं। सब उस बॉक्स को चेक करने लगते हैं। इसी बीच सिक्स पैक उसमें से एक शराब की बोतल को छिपा लेता है। उन्हें उसमें बुक्स और रशियन करेंसी भी मिलती है। फिर उन्हें एक छोटे बॉक्स में बोर्ड का भी मिलती है। इसके बाद बैक और ग्लेन कमरे में उसी शिप के कैप्टन की वीडियो को देखने लगते हैं, लेकिन बैक को रशियन लैंग्वेज नहीं आती थी, जिस वजह से ग्लेन उसे ट्रांसलेट करके बताता है कि उस वीडियो में वो किसी अजीब तरह के इन्फेक्शन के बारे में बता रहा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी अचानक कैप्टन के पीछे से कोई आ जाता है और ये वीडियो यहीं बंद हो जाती है। अब ग्लेन को काफी कंफ्यूजन होता है कि एक ही नाम की दो शिप कैसे हो सकती है, उसे ये काफी अजीब लगता है। अब ग्लेन शिप की कंडीशन देख कर बताता है कि इसमें एक्सप्लोजन यानी ब्लास्ट हुए हैं और इसी की वजह से इसमें पानी भरा होगा। अब बैक ये सुनकर कहता है कि मैं यहाँ अपनी टीम के साथ मेटल और स्टोन्स को ढूंढने आया हूँ, मुझे किसी बोर्ड से मतलब नहीं है। अगले सीन में सिक्स पैक उसी बोतल को अकेले बेड पर जाकर पीने लगता है। ये वही बोतल थी जो उसने सभी से छिपाई थी। यहाँ बो मैन भी आ जाती है, फिर सिक्स पैक उसे ड्रिंक सर्व कर देता है। इसके बाद दोनों उसे पीने लगते हैं। अगले दिन सिक्स पैक को अपनी तबीयत खराब दिखाई देती है, इस पर वो ग्लेन के पास ट्रीटमेंट के लिए चला जाता है। अब ग्लेन उसे चेक करता है। यहाँ हम देखते हैं कि सिक्स पैक की कमर पर अजीब तरह की एलर्जी
एलर्जी होने लगी है। फिर ग्लेन उस एलर्जी की जांच के लिए उसके गले से सैंपल ले लेता है। इसके बाद वो उस सैंपल को माइक्रोस्कोप से चेक करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि ये एलर्जी एक तरह के म्यूटेशन सिमुलेशन है। ग्लेन ये देखकर काफी परेशान होता है। अब एलर्जी उसकी बॉडी में धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। ग्लेन को काफी कोशिशों के बाद पता चलता है कि ये बीमारी एक जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है, जिससे सिक्स पैक तेजी के साथ बदलने लगेगा। सब अपना काम खत्म करके वापस बेस पर आते हैं। फिर ग्लेन बैक को अपने केबिन में बुलाता है और सिक्स पैक की कंडीशन को दिखाता है। ग्लेन कहता है कि कुछ टाइम में सिक्स पैक की मौत हो जाएगी। इसके बाद ग्लेन टीम के हर बंदे का चेकअप करने लगता है। ग्लेन सबका चेकअप करता है, इसमें वो सब बिल्कुल ठीक थे। इसी बीच जब बोमैन का नंबर आता है, तभी वहाँ बैक आकर ग्लेन को अपने साथ ले जाता है। अब वो दोनों इस बीमारी के बारे में मार्टिन से बात करते हैं। वो उसे जल्दी ही एक मेडिकल टीम को भेजने को कहते हैं, लेकिन मार्टिन उनसे कहती है कि कुछ टाइम में एक तूफान आने वाला है, इस वजह से वो मेडिकल टीम नहीं भेज सकती। वो उनसे कहती है कि तुम्हें 12 घंटे का वेट करना होगा, उसके बाद ही कोई टीम भेज पाऊंगी। इधर वो मैन की हालत खराब होने लगती है। विली वहाँ आती है, उसे एक बेड पर लिटा देती है। इसके बाद वो डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। तभी वो मैन नोटिस करती है कि उसके बाल झड़ने लगे हैं। इसके बाद वो सिक्स पैक के पास आकर देखती है कि उसकी बॉडी गलने लगी थी। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है। खैर वहाँ सब पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि वो मैन ने अपना हाथ काट कर सुसाइड कर लिया है। दूसरी तरफ सिक्स पैक की भी मौत हो जाती है। वो मैन की डेड बॉडी को देखकर सब काफी दुखी थे। खैर अब वो सब उसकी बॉडी को सिक्स पैक की बॉडी के पास रख देती है। फिर बैक सबको बताता है कि तूफान आने की वजह से उन्हें अभी 12 घंटे और यहाँ रहना होगा। ये सुनकर सब परेशान होने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें एक कमरे से कुछ सामान गिरने की आवाज आती है। बैक और ग्लेन वहाँ देखने के लिए चले जाते हैं। वो देखते हैं कि सिक्स पैक और बोमैन की बॉडी आपस में जुड़ रही है और वो देखने में अब एक क्रीचर की तरह लग रहे थे। अब वो बैक डिसाइड करता है कि वो उनकी बॉडी को उठाकर बेस से बाहर फेंक देंगे। वो उन दोनों को एक बैग में डालकर ले जाने लगते हैं। जाते वक्त उनकी बॉडी काफी हिल रही थी। तभी उस बैग के अंदर से एक क्रीचर बाहर निकलने लगता है और उन पर हमला करने लगता है, लेकिन सब मिलकर किसी तरह से उसे बेस से बाहर फेंकने में कामयाब हो जाते हैं। इसी बीच उस क्रीचर का एक हिस्सा कटकर बेस के पानी में गिर जाता है। इसके बाद हम विली को देखते हैं, जो बाथरूम में नहा रही होती है। वो वही पानी यूज करती है जिसमें वो कटा हुआ हिस्सा था। इसी बीच हम देखते हैं कि उस क्रीचर के हिस्से से टेंटिकल निकलने लगे हैं। इधर बैक जोन्स और कर्व मिलकर सिक्स पैक के रूम की तलाशी करने लगते हैं। उन्हें वही ड्रिंक की बोतल मिल जाती है जो कि सिक्स पैक और बोमैन ने अकेले ही पी थी। सबको पता लग जाता है कि सिक्स पैक की मौत इसी वजह से हुई है। हो ना हो ये बीमारी इसी ड्रिंक की वजह से आई है। अब अगले सीन में हम जोन्स और टोनी को देखते हैं, जो किचन में खाना लेने आए थे। टोनी जैसे ही ऊपर का ड्रॉर खोलता है, उसमें से वही क्रीचर का टेंटिकल निकलता है। वो टेंटिकल अब एक फिश की तरह दिख रहा था। वो टोनी की बॉडी में घुसने लगता है। वो उसे खुद से दूर रखने की काफी कोशिश करता है। ये देखकर जोन्स डर जाता है और सबको बुलाने के लिए चला जाता है। जोन्स उसे वही कमरे में बंद करके जाता है, लेकिन जब सब यहाँ आते हैं तो टोनी वहाँ नहीं मिलता। वो टेंटिकल उसे पानी के अंदर खींच कर ले गया था। तभी वो देखते हैं कि बिली अभी उनके पास नहीं है। फिर वो सब उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर में उन्हें बिली मिल जाती है, जो कि बेस में वॉकिंग कर रही थी। इसके बाद वो सब क्रीचर को मारने के लिए हथियार ले लेते हैं। जोन्स एक फायर गन ले लेता है, जिससे वो उस क्रीचर को आसानी से मार पाए। अब कॉव को एक जगह पर कुछ वायरिंग खराब मिलती है, फिर वो उसे देखने लगता है। तभी उस पर वो क्रीचर अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है और उसे खींचने लगता है। इसी बीच ग्लेन वहाँ आ जाता है और उस टेंटिकल को काट कर फिलहाल कॉव को बचा लेता है। क्रीचर के टेंटिकल ने कॉव के पैर में घाव कर दिए थे, यानी वो भी अब इन्फेक्टेड हो गया था। इसके बाद ग्लेन सबको बताता है कि ये क्रीचर तेजी से ग्रो हो रहा है और इसे केवल ब्लड चाहिए, यानी कि खून चाहिए। खैर इसके बाद ये दो ग्रुप्स में बंटने का डिसाइड करते हैं। एक तरफ जोन्स और बैक और दूसरे ग्रुप में बिली, ग्लेन और कॉव थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो क्रीचर पहले से काफी बड़ा और खतरनाक हो गया है। अब बैक कुछ खून को नीचे गिरा देता है, जिसकी गंध से क्रीचर अट्रैक्ट हो जाए और वो सब मिलकर उसे मार दे। इधर कॉव की तबीयत खराब होने लगती है। ग्लेन ये देखकर शॉक होता है। फिर वो कंट्रोल रूम में आकर बेस के इमरजेंसी सिग्नल को स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ वो क्रीचर उस खून की गंध से उनकी तरफ आने लगता है। इधर कॉव की कंडीशन और खराब होने लगती है। उसके हाथ पर क्रीचर जैसे दांत दिखने लगते हैं। बिली ये देखकर डर जाती है और बैक को बुलाने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है। जैसे ही उनके पास पहुंचती है, वो क्रीचर उसे देख लेता है और उसके पीछे लग जाता है। फिर किसी तरह बैक और जोन्स विली को बचा लेते हैं। इधर कॉव ग्लेन पर अटैक कर देता है, इससे अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद बैक, बिली और जोन्स कंट्रोल रूम में आते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि ग्लेन ने उनके मरने का वारंट बना रखा है, जिसमें उसने लिखा है कि हम खुद ही इस बेस पर मरने को तैयार हैं, ताकि ये क्रीचर मेन लैंड पहुँचकर अटैक न कर दे। फिर वो मार्टिन से कॉन्टेक्ट करते हैं और कहते हैं कि हमें जल्द
जल्दी से यहाँ से निकाल लो। लेकिन मार्टिन कहती है कि समंदर में अभी भी तूफान चल रहा है और वो 48 घंटों के बाद ही वहाँ उन्हें रेस्क्यू करने आ सकती है। जोन्स उसे कहने लगता है कि तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मार्टिन तुरंत ही कॉल काट देती है। खैर, अब उनके पास वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। विली जोन्स आराम करते हैं और वैक वहाँ नजर रखता है। फिर उन्हें पता चलता है कि न्यूज में कहा गया है कि अटलांटिक ओशन में काम करने की एक टीम की मौत हो गई है, यानी मार्टिन ने बता दिया है कि उसकी टीम समंदर में मर गई है। इसका सीधा मतलब यह था कि वो उन्हें बचाने के लिए कोई भी टीम भेजने वाली नहीं है। खैर, तभी वो क्रीचर बेस की हवा को बंद कर देता है। अब उनके पास सिर्फ 10 मिनट ही थे यहाँ से निकलने के लिए। इसके बाद वहाँ की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और टाइम पूरा होने पर बेस ब्लास्ट भी हो जाएगा। फिर वो तीनों जल्दी से वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में उन पर वो क्रीचर अटैक करने लगता है। तभी बैक कुछ इलेक्ट्रिक तारों को उसके ऊपर डाल देता है, इससे वो क्रीचर अभी के लिए वहाँ से भाग जाता है। अब उस क्रीचर के अंदर टोनी और ग्लेन के चेहरे दिखाई दे रहे थे, यानी उसने उन्हें भी अब्सॉर्ब कर लिया था। वहाँ के दरवाजे खुद ब खुद लॉक होने लगते हैं। तभी वो क्रीचर वहाँ आकर बैक को पकड़ लेता है। वो जैसे ही अपनी टेंटिकल से उस पर अटैक करता है, बैक एक मशीन लेकर उसके टेंटिकल को काट देता है। इसके बाद वो क्रीचर उसे छोड़ देता है। फिर वो तीनों वहाँ से बचकर अपने सूट्स के पास आ जाते हैं और उन्हें पहनने लगते हैं। अब ब्लास्ट होने में केवल 2 मिनट ही बचे थे। जोन्स और बिली अपना सूट पहन लेते हैं। तभी वो क्रीचर फिर से वहाँ आ जाता है। बैक उस क्रीचर को मारने का डिसाइड करता है। वो उन दोनों को बेस से बाहर निकाल देता है। फिर वो किसी तरह उस क्रीचर को एक ट्रैप में फंसा देता है और जल्दी से अपना सूट पहनने लगता है। वो क्रीचर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मुंह पैनल में फंस जाने की वजह से कट जाता है। खैर, अब टाइम पूरा होने की वजह से बेस पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। कुछ देर में वो तीनों पानी के ऊपर आ जाती है। उनके ऊपर आने पर मौसम बिल्कुल ठीक था, यानी मार्टिन उनसे सब झूठ कह रही थी। तभी उन्हें वहाँ एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई देता है। फिर बैक फ्लेयर को फायर कर देता है, इससे हेलीकॉप्टर का ड्राइवर उस फ्लेयर को देख लेता है और उनकी तरफ आने लगता है। लेकिन तभी पानी में काफी सारी शार्क्स आ जाती हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। खैर, हेलीकॉप्टर की आवाज से वो शार्क्स वहाँ से भाग जाती हैं। इसी बीच वो क्रीचर फिर से वहाँ आ जाता है और जोन्स को पकड़ लेता है। अब बैक विली को हेलीकॉप्टर के पास छोड़कर खुद जोन्स की हेल्प करने चला जाता है, लेकिन क्रीचर जोन्स को खा जाता है। फिर बैक एक बॉम्ब को उस क्रीचर के मुंह में डाल देता है। तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस बार वो क्रीचर मारा जाता है। इसके बाद बैक हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है। फिर वो दोनों अपनी कंपनी पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें मार्टिन मिलती है। मार्टिन उन्हें जिंदा देखकर काफी खुश होती है और कहती है कि तुमने कर दिखाया, तुम कैसे हो। तभी बैक उसे एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है और कहता है कि बहुत अच्छे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।